मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज का अपडेट जो न्यूज़ का जो है हाईलाइट्स तो थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अभी तो जितने भी मीडिया चैनल हैं उन सभी को एक मसाला मिल गया है, वो है निज़ामुद्दीन। तो हज़रत निज़ामुद्दीन का जो इनको मसाला मिला है, दिन भर जितने भी टीवी चैनल आप खोलिए सिर्फ उसी की बात चल रही है। तो ये बात ये है कि ये लॉकडाउन में कुछ और न्यूज़ नहीं था तो इसी मसाला को चला रहे हैं। दूसरा एक और पब्लिसिटी की दुकान खुली है, वो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे लोग घरों से कुछ खाना बना के ले जा रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों का खाना खिलाना चाहिए, मदद करनी चाहिए, लेकिन ये सेल्फी का मामला समझ में नहीं आया। हर कोई सेल्फी बना रहा है, पिक्चर ले रहा है, फेसबुक में अपलोड कर रहा है, ये कुछ बात हजम नहीं हुई। लोगों को मदद करना, पुण्य कमाना, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको आप पब्लिसिटी के तौर पर यूज़ करते हैं तो इस मौके पे अच्छा नहीं लगता है। खैर, ये आपकी अपनी जाति सोच है। जहाँ तक हम लोगों को लगा ये बात थोड़ी हाईलाइट करनी चाहिए, इसलिए हमने इसको आप तक लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था हमें कि इस बात को हाईलाइट कीजिए कि लोग पब्लिसिटी स्टंट में फूड डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ ना करें। और रही बात कि मोदी जी आए, संडे रात 9 बजे लाइट बंद कर दीजिए, कैंडल जला लीजिए, दिया जलाइए, मोबाइल का लाइट ऑन कर लीजिए, ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या, तो थाली भी बज गया और लाइटें भी ऑफ हो गए। तो शायद कुछ और बात होती कि थोड़ा लोगों को फैसिलिटी क्या मिल रहा है और कौन कौन लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक स्टेटस क्या है और आगे की बातें होती तो शायद लगता कि एक पीएम बात कर रहे हैं। ये बात बहुत हल्का था, लगा नहीं कि ऐसी बातें, क्योंकि पूरा जब आप अनाउंसमेंट करते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब आके बात करेंगे तो लोगों को एक उम्मीद होती है कि कुछ एक अच्छा मैसेज मिलेगा, लेकिन इस मैसेज में कुछ तो दम नहीं था। इसी बीच में खबर आ रही है कि करीब करीब 30,000 रिटायर जो काम करने वाले गवर्नमेंट के स्टाफ थे, डॉक्टर थे, आर्मी के लोग थे, इन लोगों ने कहा है कि हम सभी इस कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम्स है उसमें वॉलंटरी अपना योगदान देंगे और आके गवर्नमेंट को मदद करेंगे। इस बीच में भुवनेश्वर से एक खबर आया है कि अब वहाँ पे 48 आवर का लॉकडाउन तो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, भुवनेश्वर में भी चल रहा है, लेकिन ये 48 आवर का लॉकडाउन है, इसमें फ़र्क क्या है, ये स्टार्ट होगा आज रात के 8 बजे से लेके संडे के रात के 8 बजे तक। इसमें फ़र्क ये है कि इसमें जो भी आपको एसेंशियल दुकानें खुली थी, जैसे राशन का दुकान खुला हुआ था, मेडिकल शॉप खुला था, फ्रूट के दुकान खुले थे और वेजिटेबल के दुकान खुले थे, वो तमाम चीज़ भी भुवनेश्वर में 48 आवर्स के लिए बंद होंगे, फ्राइडे के रात को 8 बजे से लेके संडे के रात को 8 बजे तक। सिर्फ मेडिकल शॉप जो होगा वो कहीं कहीं खुला होगा इमरजेंसी के लिए, बाकी सारे चीज़ टोटल कर्फ्यू रहेगा 48 आवर्स के लिए। तो अभी मैं आपको थोड़ा नंबर ऑफ केसेस कितने कोरोना वायरस के हुए हैं वर्ल्ड वाइड, उसके ऊपर थोड़े से बात कर लेते हैं। अभी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये वक्त है 4:15 हो रहे हैं, और इस वक्त जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है टोटल वर्ल्ड वाइड अगर नंबर आप देखेंगे 10,30,181, और टोटल डेथ देखेंगे 54,198, रिकवरी 2,19,824। US का भी आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, 2,45,380 नए केसेस जो 24 आवर्स में आए हैं वो है 503, एंड टोटल डेथ हुए हैं 6,095। स्पेन का टोटल नंबर है 1,17,710 और नए केसेस जो आए हैं वो है 5,645, टोटल डेथ है 10,935, इटली 1,15,242 एंड टोटल डेथ जो है 13,915, जर्मनी 85,063 टोटल डेथ 1,111, चाइना 81,622 टोटल डेथ 3,322। अब हम देखते हैं इंडिया का नंबर, टोटल नंबर अभी तक जो आया है वो 2,563, नए केसेस जो आए हैं वो 24 हैं और टोटल नंबर ऑफ डेथ 72 हो चुका है। और इसी बीच में अगर पाकिस्तान के ऊपर नज़र डालते हैं तो 2,450 केस टोटल हैं, नए केसेस 29 आए हैं, टोटल नंबर ऑफ डेथ जो है 35।
श्रीलंका का टोटल नंबर है 151 और टोटल डेथ है वो है 4। तो ये अभी तक का आपको अपडेट दिया। तो बात ये है कि अभी भी वर्ल्ड वाइड नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तो इंडिया का भी केस लास्ट 24 आवर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो हमें केयर करने की ज़रूरत है, लोगों से मिलना जुलना कम करना पड़ेगा। जितना कम मिलेंगे जुलेंगे ये वायरस उतना ही कम फैलेगा। बात यह कि अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, मोर और लेस बहुत सारे लोग, मैं ये कहूँगा करीब करीब 80% लोग तो इसको मान रहे हैं, लेकिन अभी भी 20% लोग जो हैं इस बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं। किसी एरिया में आप जाइए तो लोग एक साथ बैठ के 4-5 लोग गप्पे मारते रहते हैं, वहाँ पे ही थोड़ा डेंजर नज़र आ रहा है। तो आप जिसको समझा सकते हैं आप भी अपने लेवल पे समझाते रहिए, अपना ख्याल रखिए, पड़ोसी का ख्याल रखिए। लास्ट में एक बात कहूँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।